हेलो फ्रेंड्स, बीएड के एग्जामिनेशन जो है हो चुके, कहीं कहीं पर और कहीं पर होने वाले हैं। ये सब तो चीजें चल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल का भी डर लग रहा है कि प्रैक्टिकल होने वाला है, फाइल बनानी है, साथ साथ हमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इस बात का भी डर है। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। फाइल कैसे बनाई जाएगी और किस तरह से बनती है, कौन कौन सी फाइल बनती है, इसके लिए हमने आपको एक वीडियो दे दिया है, तो चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हो। वो वीडियो आप लोग देख लोगे तो आप लोग को फाइल बनाने का भी डर खत्म हो जाएगा। एंड साथ साथ जो एग्जाम, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो वाइवा होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगी जो वाइवा में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी जो है बच्चों का वाइवा लेती हूँ। यही क्वेश्चंस हम लोग बीएड में पूछते हैं बच्चों से। तो बस ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, इस बात की एश्योरिटी है। लेकिन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से कर लेना, अपने शब्दों में आप कॉन्फिडेंटली जिस तरह से बोल सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फ्री क्लासेस 4 बजे हमारे चैनल पर दिए जाते हैं, तो आप अगर वो क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अपने जितने भी क्वेश्चन क्वेरी होगा वो भी आप वहां पर दूर कर सकते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं वो। इसके अलावा अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, गेस्ट क्वेश्चंस चाहिए, आप लोगों का आपके यूनिवर्सिटी का पेड बैच चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल ऐप जो हमारा कैटली सोनी ऐप है, इस पर आ सकते हो। यहाँ से आपको जिस भी अपने यूनिवर्सिटी का नोट्स चाहिए वो आप ले सकते हो। बस आपको यहाँ पर सर्च में जाना है, सिद्धार्था यूनिवर्सिटी। मान लो, देखो अभी सिद्धार्था यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन 7 जून को बताया जा रहा है। डेट तो, टाइम टेबल तो नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है। और सिद्धार्था यूनिवर्सिटी थोड़ा सा टफ यूनिवर्सिटी है, मैं आप लोगों को बोलूंगी भाई, तो उसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जा करके सिद्धार्था सर्च करोगे, पेड बैच भी दिया गया है, नोट्स भी दिया गया है, वो आप यहाँ से ले पाओगे। जिस भी यूनिवर्सिटी का चाहिए अगर आपको, यहाँ पर आना है और बस सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नोट्स या पेड बैच नहीं मिल रहा है, तो आप हमें जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पे आप मैसेज कीजिए, यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, चलो भाई, वाइवा के क्वेश्चन। उससे पहले जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल का डेट आया है, आप लोग को पता ही होगा, एक बार मैं बता ही देती हूँ। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो है प्रैक्टिकल डेट आ चुका है सेकेंड ईयर का। ये सेकेंड ईयर का है, 22-24 सेशन आप लोग देख सकते हो। एग्जामिनेशन जो आप लोग का प्रैक्टिकल डेट होने वाला है 6 जून से स्टार्ट हो रहा है। 6 जून और 7 जून सब अपने अपने रोल नंबर और कॉलेज कोड के अकॉर्डिंग देख लेना भाई, कॉलेज कोड के अकॉर्डिंग जो है एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि आप लोग कोई और नंबर देख लो। 6 तारीख से स्टार्ट है, 6 जून से, और ये प्रैक्टिकल जो है आप लोगों का देख सकते हो 3 जुलाई तक चल रहा है। तो ये सेकेंड ईयर का है और इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, और सब अपने अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिए और वहां से बात कर लीजिए। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि एग्जामिनेशन जैसे खत्म होगा उसके 1 वीक के अंदर ही आप लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का प्रैक्टिकल इनको लेना है। तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का है। चलिए, प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें होंगी, क्वेश्चंस मेरी तरफ से एकदम निश्चिंत रहना, जो मैं बताऊंगी वही पूछा भी जाएगा, तो क्वेश्चंस को लेकर के डरने की जरूरत नहीं है। फाइलिंग आप लोग बना लोगे, फाइलिंग के लिए हमने आपको एक वीडियो दिया है कि सीसीएस में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी या फिर बाकी सारे यूनिवर्सिटीज में, सीआरएसयू है या कहीं और भी, किस तरह के जो है फाइल बनते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज कि इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वाइवा में बाबू। सबसे पहला जो आप लोगों ने फाइल बनाई है ये एकदम याद रखना है, और कोई आपको बताए ना बताए मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग करते हैं। जब स्टूडेंट मेरे पास फाइल लेकर आते हैं तो मैं फाइल तो निकाल कर उनका एक बार चेक जरूर करूंगी, और उस फाइल में से कहीं से कोई भी क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ। हो सकता है आप लेसन प्लान जो लेकर आए हो, आपका फर्स्ट लेसन प्लान जो है उसका नाम ही पूछ दूं, वो उसमें आपने क्या लिखा है। मान लेते हैं कि आप मैथ्स से हैं, ठीक है, मैथ्स का आप मैथ्स का लेसन प्लान लेकर मेरे सामने आए हैं। लेसन प्लान मैंने आपका कॉपी जो है ओपन किया, मैंने देख लिया, उसमें आपने पहला जो है नंबर्स के बारे में बनाया, तो नंबर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगी। तो जो आप लोग फाइल बना करके ले जाते हो ना, उस फाइल से कुछ क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। जो फाइल आप बना कर ले जा रहे हैं, लेसन प्लान का फाइल रहता है, और जो भी फाइलिंग आप लोगों की रहती है, कंटेम्प्रेरी या फिर जिस भी, जो भी सब्जेक्ट का फाइल आप जितना बना रहे हो, फाइल से क्वेश्चन एक दो टीचर पूछ लेता है। जनरली ऐसे जो है ये चीजें होती ही होती है। और जो फाइल जैसे पलट ही रहे हैं, साइन करना है, ये सारे प्रोसेस है, तो उसमें आपको एक बार फाइल से क्वेश्चन आ सकता है। तो
तो वो ध्यान में रखना, ये कंफर्म रहता है कि आ सकता है। ठीक है, तो फाइलिंग वाली चीजें हो गई। अब जो रिपीटेड तौर पे क्वेश्चंस होता है उससे मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहला चीज जो है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको कि हम TLM बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है TLM का फुल फॉर्म पूछ रहे, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है आप इसके बारे में बताइए। तो आप बताओगे कि ऐसे चीजें या ऐसी वस्तुएं जो कि हमें टीचिंग में हेल्प करती है, शिक्षण में हेल्प करती है, वो शिक्षण सहायक सामग्री होता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इससे बच्चे जो है अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, उनकी लर्निंग सही होती है, टीचिंग इजी हो जाता है, लर्निंग इजी हो जाता है। ये सारी चीजें आप इम्पोर्टेंस के तौर पे बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आपको 4 पेज लिखना है भाई, 2 लाइन 3 लाइन में आंसर देना है, और जो भी आंसर दो कॉन्फिडेंटली दो। ठीक है, इसका उपयोग कक्षा में क्यों किया जाता है, TLM का यूज क्यों करते हैं हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री का? ताकि टीचिंग को हम इजी कर ले, शिक्षण जो है इजी हो जाए, लर्निंग बच्चों के लिए जो है सही हो जाए, अच्छे तरीके से बच्चे सीख सके, इसीलिए करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शिक्षण कौशल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। शिक्षण कौशल क्या है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल्स कौन कौन से होते हैं, ये माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन है समझ लो, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। टीचिंग स्किल्स, विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल क्या क्या है, टीचिंग स्किल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से होते हैं, इंट्रोडक्शन स्किल हो गया आप लोग का, एक्सप्लेनेशन स्किल हो गया, क्वेश्चनायर स्किल हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्रस्तावना कौशल हो जाएगा, प्रश्न रचना कौशल, प्रश्न प्रशिक्षण कौशल जिसको कि हम क्वेश्चनायर बोलते हैं, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड स्किल होता है, प्रश्न रचना कौशल। तो ये आप लोगों को नाम दे, इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को भी मैं बता देती हूँ, टीचिंग स्किल्स क्या है। तो हमें जो है पढ़ाने का एक तरीका सिखाया जाता है, टेक्निक सिखाया जाता है, वो टीचिंग स्किल है। इसमें कौन कौन से हैं, तो इंट्रोडक्शन स्किल हो जाता है, ब्लैक बोर्ड स्किल है, क्वेश्चनायर स्किल है, इन सभी का आपको नाम देना है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है कि सकारात्मक प्रबलन कौशल और सशक्त। ये थोड़ा सा ज्यादा पूछा नहीं जाता, मैंने बोला क्या कि मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे दूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसलिए दे दूंगी ताकि कोई क्वेश्चन बाहर से ना, री इन्फोर्समेंट, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है बच्चों को एनकरेज करना, पुनर्बलन करना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पुनर्बलन क्या है या पॉजिटिव पुनर्बलन क्या है। तो जैसे कि बच्चों को हम एनकरेज करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कीप इट अप, ये सब इनका पॉजिटिव है। निगेटिव का मतलब हो जाता है निगेटिव, जल्दी देना नहीं चाहिए, ये भी टीचर आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है कि निगेटिव री एनफोर्समेंट या नकारात्मक पुनर्बलन क्या आप अपने बच्चों को दोगे? तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, नकारात्मक जो है पुनर्बलन हम अपने बच्चों को नहीं देंगे। अगर वो बच्चा खराब कर रहा है या उसके परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, तो उसको अलग से बुला करके उसे हम समझाएंगे कि आप कैसे अच्छा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पाठ योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाठ योजना वाला एकदम याद रखना बाबू, कि ये आप लोग का लेसन प्लान से क्वेश्चन करना, टीचर का ये फेवरेट ये होता है टॉपिक होता है लेसन प्लान, क्योंकि आप लेसन प्लान के फाइल भी लेकर के जा रहे हो ना, तो वहां पर देख करके फाइल भी पूछ देगा लेसन प्लान होता क्या है। आपने ऐसे टीचर पूछेगा, आपने फाइल तो बना ली है, इतने सारे टॉपिक्स पे भी आपने बना लिया है, लेकिन लेसन प्लान होता क्या, आपके अनुसार पाठ योजना क्या है, ऐसे करके टीचर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पाठ योजना क्या होता है, तो पाठ योजना एक प्लान के तहत, एक योजना के तहत जो है हम अपने जो टॉपिक हमें बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए हम एक पर्टिकुलर योजना बनाते हैं कि हमें उन्हें कैसे पढ़ाना है, एक्सप्लेन कैसे करना है, मेथड क्या यूज करना है, TLM क्या यूज करना है, और ये सब जब हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं तो यही पाठ योजना होता है। और इससे बच्चों को जो है अच्छे तरीके से समझ में आता है, और जहाँ पे बच्चों को जो है टीचर को पता रहता है कि उन्हें कब कैसे जो है बच्चों को हैंडल करना है और उन्हें समझाना है, इसलिए पाठ योजना जरूरी है अगर आवश्यक में पूछ दे तो। ठीक है, पाठ योजना का हो गया। नेक्स्ट हो गया है पाठ योजना बनाने के विभिन्न चरण क्या क्या है, पाठ योजना कैसे बनाया जाता है ये भी थोड़ा समझ लेना कि इसका स्टेप्स क्या क्या है। ठीक है, ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, पर्टिकुलर लेसन प्लान को लेकर के जो है मैंने क्लासेस करवाए, तो पाठ योजना बनाने के एक दो स्टेप मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये इंट्रोडक्शन, यानी हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है वो लिखते हैं, देन हम उद्देश्य लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं,
दो तरह के ऑब्जेक्टिव होता है, पहला होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जिसको सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। देन फिर उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज पे, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम क्या यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन स्किल आता है, फिर उसके बाद से शिक्षण उद्देश्य आते हैं। तो ये पूरा एक स्टेप में आपको बताना पड़ता है, ठीक है? तो इतना मैंने बता दिया, दो तीन भी बताओगे तो हो जाएगा, लेकिन इसको एक बार देख कर जाना। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, जो देखो यहाँ पे था कि शिक्षण सहायक सामग्री का क्या महत्व है, कितने तरह के टीचिंग मटेरियल होते हैं, तो कितने तरह के होते हैं। आप लोग का एक ऑडियो हो जाता है, होता है ना, एक आप लोग का विजुअल हो जाता है जिसको हम देख सकते हैं, ये हम सुना बच्चों को सिर्फ सुनने वाली चीजों के थ्रू पढ़ा सकते हैं, ये हम देखने वाली चीजों के थ्रू पढ़ा सकते हैं, जैसे चार्ट हो गया, ग्लोब हो गया, ये सब विजुअल हो गया। और तीसरा हमारा होता है ऑडियो विजुअल दोनों, जिसमें कि आवाज भी होगी और वीडियो भी होगा। तो तीन तरह के जो है शिक्षण सहायक सामग्री होते हैं, इसमें आप बता सकते हो टीवी हो गया, ग्लोब हो गया, चार्ट हो गया, ऐसे करके आप एग्जाम्पल दे सकते हो। दृश्य सामग्री जिसको अभी मैंने बताया कि विजुअल होता है, दृश्य सामग्री श्रव्य सामग्री और कि क्या क्या है, इसका आपको एक एक एग्जाम्पल देना है। तो आप यहाँ पे देखोगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल से क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, जिसको थोड़ा डिटेल में कर लोगे। ज्यादा डिफिकल्ट जो कोई टीचर होता है ना, एक्सटर्नल होता है, वो शिक्षण सूत्र भी पूछ देता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टीचिंग मैक्सिम कहते हैं हम लोग, ये शिक्षण सूत्र क्या होता है, तो इसको भी एक बार देख करके जाना। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे माइक्रो टीचिंग का, जरूर कर लेना बाबू। माइक्रो टीचिंग फिक्स क्वेश्चन है, टीचर के मुंह पे चढ़ा हुआ क्वेश्चन होता है। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या है, और इसके जो है बोल सकते हो कि पिता कौन है, कौन सूक्ष्म शिक्षण को लेकर आए। एलन नाम तो उनका आपको एकदम याद रखना है, एलन 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 ऐसे याद रखना है। शिक्षण कौशल के बारे में बताइए, शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल्स जो मैंने अभी आपको ऊपर में बताया, इंट्रोडक्शन स्किल हो गया, आप लोगों को क्वेश्चन आयर स्किल हो गया, वही सारे हैं। भारत में शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण दिया गया है, तो यस दिया जाता है। हमें माइक्रो टीचिंग जो पढ़ाई जाती है वो टीचिंग स्किल्स ही उसमें सिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आपको कर लेना है, आपको कौन सा मेथड्स ज्यादा पसंद है, जो शिक्षण विधि होती है। अब यहां से ना सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको, आप पढ़ाओगे तो कौन सा टीचिंग मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगता है। तो मुझसे अगर कोई टीचर पूछता है, मुझे हमें जो बीडीएम बीएड में पूछा गया था, एमएड में पूछा गया था, तो मेरा पर्सनल जवाब था कि मुझे जो है बच्चों के साथ क्वेश्चनायर मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चनायर मेथड यानी प्रश्न जो पूछते हैं हम लोग, वो वाला मेथड। इसमें क्या होता है कि बच्चे कितना जानते हैं वो भी हमें पता चल रहा है, बच्चे कहाँ हेजिटेट कर रहे हैं वो भी पता चल रहा है, बच्चों को अगर कंफ्यूजन है तो वो भी जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इसलिए मेरे मेरा फेवरेट क्वेश्चनायर मेथड होता है। तो ये मैं अपना अपने तरीके से बताऊंगी, ये आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगमन विधि क्या होता है, आगमन और निगमन विधि दोनों अच्छे से कर लेना। आगमन और निगमन विधि एग्जाम्पल के साथ एक स्टार्ट होता है और एक जो है एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट होता है, दोनों आपको कर लेना है। मैथ से रिलेटेड जैसे कि आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एक मेथड पूछ सकता है टीचर। मानो कि आप सोशल साइंस के हो, तो आपसे पूछ लेगा सोशल साइंस के आप टीचर बनने वाले हैं, आप बताइए कि आपको सबसे अच्छा जो है मेथड क्या लगता है, सोशल साइंस में आप कौन सी विधि यूज करोगे पढ़ाने के लिए अच्छा। तो जानते हो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में एक्सकर्सन मेथड, जिसमें कि हम बच्चों को स्टडी टूर पर लेकर के जाते हैं, ये बहुत ज्यादा फेमस रहता है। ज्योग्राफी के लिए इसको ज्यादा देखा जाता है, मतलब कि जहाँ पे मानो कि ताजमहल दिखाने लेकर के गए या कोई पर्टिकुलर जगह दिखाने के लिए गए, एक्सकर्सन मेथड जो है फेवरेट होता है सोशल साइंस का। मैथ्स के लिए पूछेगा तो आप बोल सकते हो लैब हो जाएगा, साइंस के लिए लैब हो जाता है, तो ऐसे मेथड को आप नाम दे सकते हैं। अब एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और अगर किसी टीचर को समझ नहीं आ रहा है, फिर आप क्या करेंगे, टीचर की जगह यहाँ स्टूडेंट करो, कि अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे बताओ। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी दे देगा कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपके किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, तो ये आपका अपना आंसर होना चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन देख करके जाओगे, मैं बता देती हूँ। अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन करवाया वो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए था, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है।
एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि उन लोगों का इंटर्नशिप होता है, तो आप लोगों का जो इंटर्नशिप होगा जिस स्कूल में आप पढ़ाने गए हो उस स्कूल के बारे में पूछा जाएगा, तो वो वाला आपको करके जाना है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि आपका जो है इंटर्नशिप कौन से स्कूल में हुआ, उस स्कूल का नाम क्या है, वैसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नाम याद कर लेना, वहां पे टीचर्स कितने थे, असेंबली कितने बजे होती थी, रजिस्टर कैसे बनता है। तो जो भी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, स्कूल इंटर्नशिप आपका जहां पर हुआ है उसका नाम स्कूल का याद होना चाहिए, टीचर्स प्रिंसिपल का नाम याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोग का इंटर्नशिप का सेकेंड ईयर के लिए, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन सेकेंड ईयर के लिए, और बाकी पहले वाला क्वेश्चन भी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों के लिए था। क्लियर? तो यहाँ पर आपको जो है, जो आपने पढ़ाया उसका उद्देश्य क्या है, आपको क्या लाभ मिला, जो इंटर्नशिप आपने किया, जो आप स्कूल में पढ़ाने गए तो उससे आपको क्या फायदा हुआ, आपको क्या समझ में आया कि क्या इंटर्नशिप जरूरी भी है, और आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपको क्या फायदा हुआ, आप शिक्षण अभ्यास के लिए कहाँ गए थे, आपका जो इंटर्नशिप के लिए आपको भेजा गया था आप कहाँ गए थे, जगह का नाम बताइए, स्कूल का नाम बताइए, एक शिक्षक के रूप में आपकी पहली कक्षा कैसी है, जैसे कि आप पढ़ाने गए तो आपका जो फर्स्ट क्लास मिला वो कौन सा क्लास था और उसके बच्चे कैसे थे, आपने कैसे हैंडल किया, ये सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। शिक्षण अभ्यास के बाद आप में क्या परिवर्तन आया जब आपने इंटर्नशिप कर लिया, और तो अभी आप में क्या चेंजेस आया है, आप में क्या सीख कर आप वहां से क्या आए हो, ये क्वेश्चन। ठीक है, अपने 30 दिनों के शिक्षण अभ्यास के बारे में संक्षेप से बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए गए तो उसका पूरा समराइज करके बताइए कि आपके साथ क्या क्या चीजें हुई, आपने क्या नोटिस किया, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ये क्वेश्चन आ सकता है। आपने शिक्षण अभ्यास के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया, सबसे ज्यादा कौन सा मेथड जो है आपने यूज किया अपने इंटर्नशिप में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इंटर्नशिप से क्वेश्चन रहेगा, इसमें आप लोगों का इंटर्नशिप वाला क्वेश्चन स्पेशल आप सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस जो है आप करके जाओगे, और मैं आपको फिर से श्योरिटी देती हूँ बाबू कि इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे एक क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएगा, इस बात की गारंटी रख लो। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए था। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कल हमारा 4 बजे लाइव क्लास होगा, उस समय आकर के आप पूछ सकते हो, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने होंगे, कॉन्फिडेंटली करना होगा, दो दो तीन तीन लाइन का सारा आंसर चाहो तो इसमें आप लिख करके रख सकते हो। ठीक है, फिर मिलूंगी, चल रहा है, टेक केयर।